अस्सलाम वालेकुम भैया। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे ये है टोयोटा कैमरी 2400 सीसी वेरिएंट। 2008 का मॉडल है लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ये वाली गाड़ी है। बेसिकली ये गाड़ी फोर सेल है और ये आपको सुजुकी अल्टो के प्राइस के अंदर मिल रही है। इस वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे कि किस इंजन ऑप्शन में आती है और कौन कौन से फीचर इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। टोयोटा कैमरी बेसिकली टोयोटा की मोस्ट पॉपुलर सेडान है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा सेल होती है। इस वीडियो के देखने के बाद अगर कोई इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहता है, तो ये वाली गाड़ी अवेलेबल है ऑटो एक्सप्रेस कराची हालिबिन वलीद रोड पे लोकेटेड है। अगर आप इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। लोकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी कंडीशन और मैं आपको इस गाड़ी की डिमांड वीडियो में बता दूंगा। टोयोटा कैमरी के अंदर जो आपको इंजन दिया जाता है 2400 सीसी का इंजन दिया जाता है। VVTi इंजन है, पेट्रोल इंजन। गाड़ी की इंजन की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, कहीं से लगता ही नहीं कि यह 14-15 साल पुरानी गाड़ी है। आप बोनेट के यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइड्रोलिक स्कर्ट्स भी दिए जाते हैं। कंडीशन और फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। कंडीशन भी आपको साथ साथ गाड़ी की बताई जाएगी और साथ इसके आपको फीचर्स भी बताए जाएंगे। वैसे सबसे पहले हम लोग गाड़ी के हेडलैम्प्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टेड लैम्प्स मिलते हैं। यहीं पे आपको लो बीम हाई बीम का सेटअप दिया जाता है। पार्किंग लाइट दी जाती है। 10 सिग्नल्स आपको हेलोजन बल्ब के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको हेडलाइट बॉशेस की फैसिलिटी मिल जाती है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके बॉर्डर्स पे आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश के अंदर प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इसमें ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर के अंदर बम्पर दिया जाता है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्रोम की फिनिश आती है। बॉडी कलर के अंदर आपको फ्रंट ग्रिल की ऑप्शन दी जाती है जो कि ये इंजन की वेंटिलेशन के लिए यूज़ की जाती है। टोयोटा लोगो क्रोम में दिया जाता है। सो आप गाड़ी की फ्रंट से कंडीशन ही देख सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। कहीं से भी एक्सीडेंट नहीं है और ना ही कहीं से टचअप है। गाड़ी का पेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कम्प्लीटली ओरिजिनल है। देखिए हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ आए। साइड प्रोफाइल जैसा कि देख सकते हैं ये लॉन्ग व्हील बेस सेडान में आती है। यहाँ पे आपको 10 सिग्नल्स की फैसिलिटी दी जाती है। अलॉय व्हील्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश के अंदर मिलते हैं और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। टायर्स की कंडीशन भी आप साथ चेक कर लें। साइड मिरर्स यहाँ पे ऑटो रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स दिए जाते हैं। बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे बॉडी कलर के अंदर डोर हैंडल्स गाड़ी के दिए जाते हैं। की ऑप्शन भी दी जाती है, की से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी की हम लोग रेयर साइड पे आ जाए तो रेयर साइड गाड़ी की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि इस गाड़ी का कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो ये वाली गाड़ी आपको अट्रैक्ट करेगी। टोयोटा की बैजिंग आ जाती है, टोयोटा का लोगो आपको दिया जाता है और साथ कैमरी की बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। ट्रंक को ओपन करते हैं तो यहाँ से मैं इसके ट्रंक को की से ओपन करता हूँ। गाड़ी के हम लोग ट्रंक को देखते हैं तो यहाँ पे ट्रंक स्पेस भी आपको इतनी ज़्यादा दी जाती है क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस सेडान है टोयोटा कंपनी की, तो इसके अंदर आपको ट्रंक स्पेस भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। इसकी हम लोग सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से सीट्स को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको ओपन स्पेस मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा सामान रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। कंप्लीट कंडीशन आप देख सकते हैं। बूट की कंडीशन भी बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर है। कहीं से ये गाड़ी लगता ही नहीं कि ज़्यादा यूज़ की गई है। पेंट की क्वालिटी आप चेक करें, कहीं से ऐसा लगता ही नहीं कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। डी फोकस की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाते हैं। यहाँ सनशेड भी दिया जाता है जो कि अंदर से मैनुअली कंट्रोल होते हैं। इंटीरियर साइड पे जाते हैं तो डोर्स गाड़ी के देखें तो यहाँ पे वुडन की फिनिश दी जाती है। क्रोम डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ मिल जाती है। इंटीरियर की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूम स्पेस, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा दी जाती है। गाड़ी में आपको सनरूफ की फैसिलिटी भी मिलती है। लेदर सीटिंग में इस गाड़ी का इंटीरियर है। आर्मरेस्ट आपको इस तरफ दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो सनशेड्स मिल जाते। 3 हेडरेस्ट भी गाड़ी में दिए जाते हैं। रेयर साइड पे देख सकते हैं स्पेस मिल जाती। टोटली इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स की फैसिलिटी दी जाती है। रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं। कंप्लीट कंडीशन आप देख सकते हैं। ड्राइवर डोर पे देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ के कंट्रोल है। सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। हम यहाँ से बूट को ओपन कर सकते हैं। फ्यूल लिड ओपनर आपको इस तरफ दिया जाता है। हुड ओपनर आपको इस तरफ दिया जाता है। रिट्रेक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए जाते हैं। इस गाड़ी में जो कि मैंने आपको बताया हेडलाइट वॉशेस दिए जाते हैं, उसके एक बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप प्रेस करेंगे हेडलाइट को वो वॉश ऑटोमेटिक करेगा। यानी कि हम लोग सीट्स की तरफ आए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलेगी जिससे हम लोग बटन से गाड़ी के सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे लंबा सपोर्ट ऑप्शन भी आपको दी जाती है। लेदर सीटिंग मिल जाती है। यस, तो मैं गाड़ी के इंटीरियर पे आया तो इंटीरियर आप जैसा कि गाड़ी का देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टीयरिंग व्हील की तरफ आए तो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको मोड्स के कंट्रोल दिए जाते हैं। मल्टी मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पे एयरबैग दिया जाता है। इस क्लाइमेट कंट्रोल का जो कि वहाँ पे सेटअप मिलता है, भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है लेकिन आपको स्टीयरिंग व्हील पर भी क्लाइमेट कंट्रोल के सेटअप दिए जाते हैं। और साथ यहाँ पे देखते हैं तो कंप्लीट आपको डिस्प्ले की ऑप्शन दी जाती है। और इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल की भी फैसिलिटी दी जाती है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये की है। मैं गाड़ी को इस तरह स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे 240 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर दिया जाता है। IPM गेज मिलता है, हीटिंग गेज। यहाँ पे ड्राइवर डोर की ओपनिंग वगैरह बताते हैं। स्मॉल साइज में MID स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बताते हैं। टोटली ये वाली गाड़ी 1,09,000 किलोमीटर चली हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा चली हुई गाड़ी लगता ही नहीं कि ये 0 मीटर गाड़ी है या तो
यूज़ हुई हुई गाड़ी है। मल्टीमीडिया स्क्रीन दी जाती जो कि एंड्रॉयड स्क्रीन आप कह सकते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड स्क्रीन आपको दी जाती जो कि रिवर्स कैमरा को सपोर्ट करती, कंप्लीट कैमराज वगैरह ऑप्शन आपको दिया जाता है, एंड्रॉयड पैनल है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, हेजलाइट स्विच मिलता है, एवेंस की फैसिलिटी इस तरफ दी जाती, वहाँ पे आपको क्लॉक ऑप्शन दी जाती, क्लॉक डिजिटल में आ जाती है। इस तरफ देखते तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप आता है, यहाँ पे एक्सरे बॉक्स मिल जाते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है, साथ USB लाइटर की ऑप्शन भी दी जाती है। गाड़ी के इस तरफ वाली साइड देखें तो यहाँ पे कंप्लीट आपको वुडन फिनिश दी जाती है, जहाँ से हम लोग गाड़ी के कप होल्डर्स मिल जाते हैं वुडन फिनिश में, ऑटो ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स दिया जाता है, जहाँ पे आपको D4 की ऑप्शन दी जाती है, 3 की और L2 की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट की ऑप्शन दी जाती है, 12 वोल्ट का आपको लाइट 12 वोल्ट का लाइटर मिल जाता है, आर्मरेस्ट गाड़ी में लेदर का मिलते हैं, साथ यहाँ देखते तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस गाड़ी में दी जाती है। इंटीरियर की आप कंडीशन गाड़ी की चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एयरबैग्स की फैसिलिटी मिल जाती है, ABS की ऑप्शन इसमें दी जाती है, EBD ब्रेक्स की ऑप्शन गाड़ी में मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल ऑप्शन है, क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आप स्टीयरिंग व्हील से भी कर सकते हैं, हेडलाइट वॉशर्स गाड़ी में मिल जाते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड पैनल मिल जाता है, इस तरह करके इस गाड़ी में फीचर्स तो बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। आपको सनरूफ का सेटअप भी दिया जाता है, अगर आप सनरूफ गाड़ी की ओपन करना चाहते हैं सनरूफ भी ओपन कर सकते हैं, सनरूफ आपको कंप्लीट ऑटो में मिल जाती है और बिल्कुल सही सनरूफ मिलती है वर्किंग में। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट भी दी जाती है वैनिटी मिरर्स में। व्यूअर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी फोर सेल है, तो मैं आपको इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टोयोटा कैमरी का फुल ऑप्शन वेरिएंट है, 2400 CC के अंदर आता है, 2008 का मॉडल है और ये वाली गाड़ी इंडस मोटर ने खुद थाईलैंड से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान में डिलीवर की। 2008 का मॉडल है और कम्प्लीटली ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर गाड़ी है, कहीं से भी टचअप नहीं है। गाड़ी की कंडीशन मैंने कम्प्लीट आपको वीडियो में दिखा दी है। माइलेज आपको बताई थी 1,9,500 किलोमीटर ये वाली गाड़ी चली हुई है और इस गाड़ी की जो कि डिमांड की जा रही 31 लाख रुपये की जा रही। तो ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इसी तरह के लेटेस्ट और लग्जूरियस रिव्यूज वगैरह देखने के लिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।